चल जी, यहाँ पे जोहा को मैंने शावर दिलवा दिया है, नहला दिया है उसको, ये कपड़े पहनाए हैं। और किस गर्मी कैसी लग रही है? लग रही है गर्मी या नहीं लग रही है? मामा कब लाइट आ गए? लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम तो कर दीजिए सबको। पापा ठीक ठाक होंगे, मेरे दोस्त मामा सब प्यार से। चलो मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ, ठीक है? अभी जोहा को मैंने ये शर्ट पहनाई कि सारे कपड़े मेले हो रहे, कल से अब तक लाइट नहीं आई। वेट कर रहे थे हम लाइट का कि लाइट आए तो हम कपड़े धोएं। और मैंने जो अपना ये वाला सूट पहना, ये मैंने हाथ से धोया है, और मैंने हाथ से धोया है और ऊपर मैंने सुखाया। इतनी यकीन माने, सिर्फ ये 20 से 25 मिनट सूट ना मेरा सूख गया। तो मैंने ये पहन लिया। और जोहा का भी मैंने नाइट सूट धो के जब नहाने गए थे, इसका मैंने वहीं हाथ से फटाफट धो के सुखा दिया था, और वो भी सूख गया है। यकीन करें इतनी गर्मी हो रही है। और लाइट हमारी अभी तक, कल से अब तक हमारी लाइट नहीं आई। हम वेट कर रहे थे कि लाइट आए, हम का मशीन लगाएं, लेकिन लाइट हमारी नहीं आई। हमने सारे कपड़े ना यहाँ से उठा के, चलो आप बैठो, मम्मा नाश्ता लेके आ रही है, ठीक है? यहाँ से उठा के हमने सारे कपड़े ना ऊपर पहुँचा दिए थे धोने के लिए। सारे यहाँ से सारे कपड़े उठा के ऊपर पहुँचा दिए, लेकिन लाइट फिर भी नहीं आई। मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर जाके ना, ये देखें सारे कपड़े कैसे रखे हैं धोने के लिए, लेकिन लाइट हमारी फिर भी नहीं आई। ये देखेंगे, और धूप वो देखें, सुबह का लाइट सूट सूख रहा है। और ये देखें कपड़े, ओए होए आया भी जा रहा, इस ग्रिल को हाथ लगाया नहीं जा रहा, इतनी गर्म हो रही है। ये देखें मशीन, देखें हमने मशीन पानी भर के भी रखा है, मगर लाइट ही नहीं आई तो क्या कपड़े धोएं। मैंने सुबह का नाइट सूट धो के सुखा दिया है। चलो भाई आ जाओ, नीचे चलते हैं दोबारा। अब बनाने लगी हूँ मैं पहले नाश्ता। यहाँ पे जो है ना, मैंने मंगवाए हैं मक्खन और जैम, तो घर में रखा हुआ था। ब्रेड मंगवाई है, अंडे मंगवाए, और चाय भी बनी हुई है। वही बस फटाफट से बनाते हैं मिनटों में नाश्ता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैर खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी इतनी प्यारी सी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से, और हम दोनों माँ बेटी नहा धो के रेडी हो गए, बस अब नाश्ते का वेट करें। नाश्ता बनेगा, और शाम में पकाने के लिए मंगवाया है मैंने गोश्त, आलू गोश्त का सालन बनाएंगे, साथ में बॉयल राइस बनाएंगे व्हाइट वाले, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं आलू गोश्त के शोरबे वाले सालन के साथ। तो शाम में वो बनाएंगे, अभी नाश्ता बना रही हूँ ब्रेड वाला। फटाफट जोहर नाश्ता बनाती हूँ, पापा गए हुए इनके मस्जिद, वहाँ काम कर रहे हैं। और जो कल उस बच्ची ने कपड़े और चप्पलों का नाप भिजवाया था चूड़ियों का, हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम वहाँ भी जाएंगे, सामान लेकर आएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे उस बच्ची की शादी की शॉपिंग, थोड़ी सी जितनी हमारी हैसियत है तो वो स्टार्ट करेंगे, वो जाएंगे, फिर जो चीज़ लाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और ये मस्जिद का हमारा कल डन हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी मस्जिद आप लोग को दिखाई थी, जिसकी छत वगैरह कुछ, जो बिल्कुल ही सिर्फ चार दीवारी उठी हुई है, अब इंशाल्लाह परसों से उसका काम शुरू होगा। जो मेरा बहन भाई उसमें कंट्रीब्यूशन डालना चाहता है अपना, जितनी जिसकी हस्बे तौफीक है वो डाल दीजिएगा, मैं आप नंबर दे दूंगी। जो आप अपना मस्जिद में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा, ठीक है जी, मैं आपको नंबर दे दूंगी, जिसको जो करना है वो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं नाश्ता बनाए, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना ये चीज़ समझती हूँ कि मैं इस चीज़ में बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काम के लिए चुना, मैं यहाँ आई और यह सब चीज़ें मैंने देखी और ये एक स्टेप उठाया, शुक्र है अल्लाह का। आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी ना बात याद दिलाती हूँ, छोटी सी एक बात आपको बताती हूँ। जब मेरे बच्चों की डेथ, जोहा एक मिनट बेटा, जब मेरे बच्चों की डेथ हुई थी ना, दोनों बच्चों की रमज़ान थे, से एक हफ्ते पहले डेथ हुई थी। जब हम वापस आए थे तो हमारा पहला रोज़ा ट्रेन में खुला था। जब मैं आई थी ना, मैं अपने मतलब बहुत अजीब सी हालत थी, इंसान जैसे डिप्रेशन में और बहुत अजीब सी हालत थी, पागलों पागल जाता है यार, जैसे आप समझ लें, आप लोग आपके जिस्म का एक टुकड़ा कोई काट के ले जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो ऐसी जब किसी को लाश चली जाती है ना, तो उसकी भी हालत ऐसी होती है, तो मेरी हालत ऐसी थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था बेटा कि ना एक काम करो, मस्जिद में वैसे ना काम चल रहा है तामीराती, तो मैं काम करो तुम ना पंखे लगवा दो दोनों बच्चों के नाम के। तो यकीन माने मैंने उस वक्त ना अपने वैसे अजीब सी हालत थी, लेकिन मैंने पंखे खरीदे दोनों, अपनी एक बेटी जहरा के नाम का, एक अपना बच्चा समद के नाम का लगवाया। क्योंकि मैं इतना जहनी और रूहानी सुकून मिलता है ना, क्योंकि देखे हम आज नहीं कल तो मर ही जाएंगे, जाना तो अल्लाह के पास ही है, ठीक है? दुनिया तो फानी है, तो हमने जाना ही है। तो जब हम अपने हाथ से एक निकी काम करके जाते हैं ना, स्पेशली मस्जिद की तामीरात में, जो हिस्सा डालता है एक ईंट भी, वो जब तक लगी रहती है उसको मतलब ता उम्र तक सवाब मिलता है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे मस्जिदों का ना काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मस्जिदें यहाँ पे है नहीं, और ऐसी जगहों पे ऐसी मस्जिदें होनी चाहिए। तो जो करना चाहता है अपने हस्ब तौफीक, पहले 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 1 लाख रुपये, जितनी आपके हस्ब तौफीक है वो कीजिएगा, ठीक है? चलो जी, बातें बहुत हो गई, क्रीम लगा रही हो, मेरी हालत देखिए पसीने में क्या हुई। अब मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बना के तो ठंडा टाइम हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे मार्केट, मार्केट सारे के बाद मैं बनाऊंगी शाम का अपना खाना। चलो जी, यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेड को सेक लिया है, आ जा भैया, यहाँ बनाएंगे अंडा अपना, ये आ गया हमारा हाफ फ्राई,
उसके बाद एक जोहा के लिए थोड़ा सा फुल फ्राई बनाऊंगी। ओ सॉरी, ये है जोहा का हाफ फ्राई, मैं अपने लिए मिर्ची वाला बनाऊंगी। जोहा खाती है मेरा फीका अंडा। चलो जी, यहाँ पे हमारी चाय हो गई। मैंने अपने लिए वाला बनाया है, जोहा के लिए है और जोहा का पीस। जोहा पे बिस्मिल्ला पढ़िए बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही वाला बरकतुल्ला। ये लीजिए। चलो जी, अच्छा है। चलो जी, यहाँ पे हम लोग नाश्ता फिनिश करते हैं, आप लोगों से नाश्ते के बाद मुलाकात करते हैं। पापे, डबल रोटी चीनी लग रही है आपको? पापे खाने मेरे बेटे ने थोड़े से पापे मंगवा लेते। पेट भर गया ना जोहा पी? हाँ चलो, खाया क्या मैंने? एक पीस खाया ना। पापा के साथ और खाना है? पापा ये ब्रेड ही बना रहे खाले। नहीं, ये ब्रेड के नाम से तो ऐसा मुंह बनाती है, ब्रेड नहीं पता नहीं क्या है। हनी थोड़ी है उसमें, हम भी तो खा। हाँ नहीं, कह रही मुझे मैगी बना के दे। मैं रोज मैगी नहीं बेटा, हर वक्त मैगी थोड़ी खाते। कल भी जाइए बात। हनी ने अपने लिए ऐसा अंडा बनाया है और मैं यहाँ पे सालन चढ़ा रही हूँ। गोश्त को मैंने पानी में डाल दिया। अब मैं सारा सामान जो है ना एक साथ ही डाल के चढ़ा दूंगी और ये एक 25-30 मिनट एक घंटा पकेगा, फिर भून लूंगी, आलू डाल दूंगी। सब एक साथ चीज़ें डाल के तो चढ़ाती हूँ मैं, सालन भी एक साथ पक जाएगा। तवे के पास दिल नहीं चाह रहा खड़े, इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो पसीने नहीं रुक रहे, इतनी तवे के पास दिल नहीं चाह रहा खड़े। चलो जी, यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अपना सालन। अच्छा, मैं सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैंने डाल दिया पानी में गोश्त, उसके बाद डाल दिया नमक, उसके बाद हल्दी, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, बेसिक मसाले जो होते हैं हमारे, वो सब डाल दिया मैंने पानी में और गोश्त में। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर कट करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला बस, और इसमें डाल देंगे हम तेल। अच्छा, मैंने 2-3 लौंग ली थी और 2-3 ही मैंने गोल वाली काली मिर्चें और एक दालचीनी की स्टिक। ऑयल डाल देंगे, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और चढ़ा देंगे जब तक कि हमारा पानी खुशक हो जाए और गल ना जाए। तो तकरीबन 40 मिनट के बाद हमारा ये गोल जो है ना गल गया था, पानी भी बहुत खुशक हो गया था। अब इसमें हम डाल देंगे आलू जो मैंने कट करके रखे हैं। अच्छा, कभी कभी जब जल्दी में होती हूँ ना, मैं सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ा देती हूँ, वरना मैं अक्सर में मसाला भून के भी पकाती हूँ, वो कभी कभी नहीं होता था, एक साथ डाल के चढ़ा देती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, आलू को भी भून लेंगे, साथ में मैंने साबुत हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि मसाला मैंने कम डाला था, तो मैंने कहा जिसको नीड होगी वो मिर्चें तोड़ के खा सकता है। आलू को भी अच्छे से भून लिया मसाले के साथ। अब इसमें हम शोरबा कर देंगे जितना हमें करना है, तो बस मैंने थोड़ा सा शोरबा किया, तो पकेगा भी, आलू भी गलेंगे तो ये कम रह जाएगा। चलो जी, यहाँ पर हमारा सालन डन हो गया है। ये देखें, शोरबा भी बिल्कुल सही है, इतना ही मुझे गाढ़ा चाहिए था। ये हमारा सालन डन हो गया, आलू भी हमारे गल गए ज़बरदस्त वाला। इसको बंद करते हैं चूल्हे को, सिलेंडर भी बंद करती हूँ नीचे से। और मैंने यहाँ चावल भी धो के भिगा दिए, जब मैं मार्केट से आऊँगी तो हमारे फटाफट से चावल बना लूँगी जल्दी से। बर्तन बर्तन भी धो के पूरा किचन मैंने रेडी कर दिया है। चलो जी, मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, बुरखा मैंने पहन लिया है, बस अब निकलने लगे हैं मार्केट के लिए। मास्क भी लगा लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने उस लड़की का चूड़ियाँ और कपड़े वपड़े सब ले लिया उस लड़की के लिए मैंने। अब जाके सामान जो भी चीज़ लेके लेंगे आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह, उसके सैंडल वगैरह, उसके कपड़े वगैरह, तो वैसे जो भी लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। जब निकलते हैं मार्केट के लिए, 5 बज रहे हैं शाम के, पूरे 5। और आपको मैं धूप दिखाऊँ तो आप कहेंगे अभी तक इतनी धूप, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है। शाम के 5 बज रहे हैं, मतलब हमने नाश्ता कर लिया, खाना पका लिया, सफाइयाँ कर ली, बर्तन धो लिए, लेकिन यहाँ पे धूप कब नहीं हुई। मार्केट का वेट कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे ठंडे टाइम, लेकिन अब इससे ज़्यादा ठंडा टाइम देंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा इधर इस वजह से। तो अभी हस्बैंड ने कहा निकल जाओ, 5 बज रहे, हो जाएगा ठंडा इस वजह। चले जी, हनी आप लोग कल आ जाएगा, सही शॉपर है मेरे पास, ठीक है आ जाओ। चले जी, इस आओ जुहापी आ जाओ। अरे डोगी वो क्यों चढ़ रही हो? डोगी का पानी हाँ भरा हुआ है, आ जाओ। चलो शूपर यहाँ टांग देते, आ जाओ जोहा, सफ़र की दुआ पढ़ो बेटा जल्दी से। चलो डंडी फेंको, सफ़र की दुआ पढ़ो, शाबाश, सफ़र की दुआ पढ़ो। चलो
आ गए हैं पापा, चश्मा लेकर आए मेरे ख्याल से आपका। हाँ चश्मा लाए, आपका चश्मा लगा लो, गुहबत हो रही है। दे दो उसका चश्मा, आपका पिंक वाला चश्मा भी रखा हुआ है लेकिन वो घर में रखा हुआ है दूसरे दराज में। अभी ये पहनो, शाबाश, जल्दी से चलो आप। सही है, आज तो कैप लेकर ही रहेंगे। हाँ अगर मार्केट से कैप मिल गई ना गोल वाली धूप वाली तो फिर ले लेंगे, क्योंकि फिर सर पे आप ना गर्मी नहीं लगेगी आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आई थी मुझे तो ऐसे वाले सूट चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने एक सूट लिया, ये वाला, ये कढ़ाई वाला, ये वाला इस तरह का। बड़ी मुश्किल से ढूंढी हमने ये मार्केट, पुराने नौ अभी तक पड़े हो। एक बड़े छले मसाले वाले, ये मेहरबानी कीजिएगा साइज 19-20 नहीं, नहीं नहीं साइज की मुश्किल नहीं, तो भी बैठे जी की शादी है, ऐसा नहीं होगा। चलो जी हम लोग आ गए हैं घर वापस, क्या क्या सामान लिया है मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सालन तो शुक्र है बना के गई थी, और से चावल का मैंने पानी बॉयल कर रख दिया था, उसमें नमक डाल दिया, चावल फटाफट बॉयल कर दी और अपना सलाद बनाऊंगी, तो हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। चलो यहाँ पर हमारे चावल बॉयल हो रहे, तब तक हम अपना सलाद बना लेते थोड़ा सा। एक खीर, दो खीरे लाए थे, एक खीरा जो खा दी, मैंने पहले एक खीरे का बना लेते। बिस्मिल्लाह, प्याज, एक टमाटर दे दे कहीं मुझे बस वहाँ से। बड़ा या छोटा? छोटा सा मोमो सा, बस मैं फटाफट से एक अच्छा वाला खट्टा वाला सलाद बनाती हूँ और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आपको दिखाते हैं अपना सामान जो कि हम लेकर आए हैं। यहाँ पे मैं अपना वैसे जो मैं नॉर्मल कचूमर सैलेड बनाती हूँ ना खट्टा वाला, वो बना रही हूँ। चलो जी यहाँ पे चावल दम पे दे दिए, साथ में मैंने सलाद बना लिया, ये हो गया हमारा रात का खाना। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े, आ जाओ बेटे। काकड़े आज आपने पानी नहीं डाला था ना, सी इसमें मैंने डाला सारे पौधों में पानी, आज आपने पानी डाला, सूख रहे थे, आ जाओ अंदर आ जाओ, चलो आओ। शाबाश, चलो जी। अच्छा हम लोग ये सूट लेकर आई हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम पहले हमें बताया था कि मेरा मार्क्स किया, तो इस तरह का डिज़ाइन था उनके कपड़ों का, क्योंकि वो बलोची है ना, तो आई थिंक बलोची ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो पहले हम लियाकत मार्केट गए, हमें वहाँ से मिला ही नहीं, फिर उन्होंने किसी ने बताया कि आपको ये इस तरह के ना सूट आपको मलिर 15 पे मिलेंगे अंदर मार्केट में, फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गए थे। तो ये तो उनका अपना है, उन्होंने हमें नापका दिया था बगैर सिला, तो हम लोग बगैर सिला लाए, भाई जिसका अब वो जिसका अपना साइज है अपने से सिलवा लेंगे। तो माशाल्लाह से एक सूट हम ये लेकर आए, ये देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाएं, ये देखें एक सूट हम ये लगाए, ये सेम वैसे ही है, इनके आगे जेब होती है, इधर आगे इनकी जेब होती है, साइड पे कढ़ाइयाँ होती हैं, इधर पूरी कढ़ाई होती है दुपट्टों पे, तो जिस तरह का आस्तीन इनकी पूरी कड़ी हुई होती है, जिस तरह का इनका स्टाइल है उस तरह का एक सूट ये है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ना ये है, ये वाला कलर बहुत खूबसूरत है ना हनी, ये तो मुझे देखते ही इतना पसंद आया था, इसका 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 बहुत अच्छा ज़बरदस्त कलर है और इसका बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खोलूंगी नहीं वैसे दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लग रहा था एक ये देखें इस तरह कलर दोनों पे ये रहा। तो एक ये लिया था हमने, दो सूट लिए थे दुल्हन के, तो कल इंशाल्लाह ये चीज़ें उसके पास पहुंच जाएंगी। तो असल में उन्होंने बहुत एंड टाइम पे बताया था शादी का, तो कुछ टाइम पहले तो वो ज़रा चीज़ें पहुँचा देते उनको। तो एक ये सेट लिया है, ये एक सेट ये था शादी का, मतलब शादी हमारे घर में शादी हो रही है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, चलो वो भी हमारे ही घर है, जाहिर सी बात है। अच्छा ये इस तरह के हम लोगों ने बनवाए थे, ये उस बच्ची का चूड़ी का नाप था जो उसने दिया था हमें, ठीक है। और हमने जो डिजाइन बनवाए हैं इस तरह का बनवाए हैं, ये इसके मैचिंग का सूट का है, और ये जो है ना ये वाला ये इसके मैचिंग का, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सूट के मैचिंग के, और ये तो इस बच्ची के लिए वाले आई थिंक इस वाले सूट के नाप के। तो
ये मैं खरीद के लाई हूँ चीजें, चलो बताएगा कैसी लगी। अल्लाह पाक जिस बच्चे की शादी हो उसको बरतना नसीब करे, उसको पहनना नसीब करे और हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये चीजें जो है ना ये हम सुबह उनको पहुंचा देंगे क्योंकि परसों बच्चे की शादी है, परसों शादी है, हम इलाज में उस तक पहुंचा देंगे ताकि वो हर हाल में उसके घर पहुंचा दे। उनको कल ही कल उनके पास दिन का टाइम है, अगले दिन तो शादी, और ये लोगों की दिनों में शादियां होती हैं रातों में नहीं, हमें तो पता नहीं है। बहरहाल ये जो जिसके जो नसीब में होता है उसको मिल जाता है, ज्यादा तो शायद कुछ और, लेकिन वो कहते ना हर चीज नसीब से मिलती है, नसीब से ज्यादा ना कम की जो चीज नसीब में वो जरूर मिलेगी, बिल्कुल जो नहीं है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल। हमारा ये हो गया, ये दोनों थोड़ा अच्छा है, बिल्कुल पैक करके ना मैं बाहर ही रखूंगी, फिर ऐसे ही बच्चे तक पहुँचा दूंगी ये उसकी डिलीवरी, तो इंशाल्लाह ये कल हम पहुँचा देंगे। अभी लगाते हैं खाना, चावल भी हो गए हमारे दम पर, सब कुछ हो गया, अगर खाना लगाते हैं खाना खाते हैं बस। तो आज तो हमारा सब हनी का और मेरा दोनों का फेवरेट खाना बना हुआ है, आलू गोश्त चावल, सफेद चावल, इतने फेवरेट देसी खाना है, देसी हर बंदे की पसंद का खाना है, तकरीबन हर बंदे को पसंद हुआ ये खाना, क्योंकि ये खाना इतना अच्छा हो, मतलब ये यार एक ये बहुत कमजोर खाना होता है। चूड़ियाँ खास तौर पर, चूड़ी का जो है ना ये बड़ी दुश्मन है, गर्मी चलो जी ये तो हो गया, अब निकालते हैं अपना खाना, बड़ी भूख लग रही है आज। चलो चावल है कैसे खिला खिला बना है जबरदस्त, असल में काफी टाइम से भीग रहे थे, नहीं तो हम मार्केट गए थे, मैं भिगा के गई थी, आप नहीं खा रहे यानी? मैं यार कभी समोसे पकौड़े नीचे चले ना थोड़ी देर के बाद, समोसे पकौड़े खाए थे भी टेस्टी, हमने खाए भी माशाल्लाह खूब है, गरम गरम थे, चार समोसे थे और एक पाव पकौड़े थे, समोसे तो चारों आपने ही खाए, बस कर दो हनी माशाल्लाह आजकल आप बहुत खा रही, लगा दो नजर, नहीं फिर भी चार समोसे और पकौड़े, चार समोसे मैंने खाए, दिमाग खराब कर रहे, चार समोसे दो मैंने खाए, दो आपने खाए और पकौड़े मिलके खाए, पकौड़े बड़े टेस्टी थे, गरम गरम, अच्छा लेकर मैंने जब बाहर बैठता है ना वो पकौड़े मजे के, आखिरी पकौड़े समोसे, हाँ ये तो बिल्ली की दीवानी है मेरी बेटी, मम्मा बिल्ली को प्यार करके आ जाऊं, मम्मा बिल्ली को प्यार करके आ जाऊं, बस जोहा आप खाओगी ना, हाँ तो इसको साथ खिलाना ना, हाँ मैंने ना गाढ़ा गाढ़ा शोरबा रखा था, मजे का लग रहा है, हाँ और मैंने वो कम रखा था मसाला, इसलिए मेरे हरी मिर्च डाली है टाइट, कि मुझे मैं हरी मिर्च खाते हैं तो जिसको नीड है वो तोड़ के खा ले, हाँ तोड़ के खा ले, चलो ये हो गया खाना, अब हनी जो है ना अपना निकाल लेते हैं, मैं भी भाई थोड़ा नहाऊंगा उसके बाद, बस सही है, मिट्टी मिट्टी हो रहा है सब, ठीक है हम तो खाए अपना खाना, नहीं आप खाओ, मैंने इसीलिए कहा आपको भूख लगी, मैं तो खा रही हूँ, अब हस्बैंड अब खाएंगे जबकि जब देरी आएगी, मैं तो खा रही हूँ, मुझे तो लग रही टाइम, मैं सर मैं थोड़ा देर ना आऊंगा उसके बाद, हाँ गर्मी हो रही ना, लाइट का बोला लाइट चली गई, लाइट का बोला मार्केट में कितना लाइट का तो टाइम है यार, इतना ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ, कैसा हफ्स हो रहा है घर में, नहीं मार्केट में कैसा हफ्स हो रहा था, पसीना ही नहीं रुक रहा, बाहर रोडों पे बहुत ठंडा हो रहा था, बड़ा ठंडा हो रहा था, चलो जी आप मैं खाना खाते हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, क्या कर रही हो ये गंदे काम, पता नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, आप लोग मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अपने जैसे फैल के दुआ में याद रखेंगे, जो न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, अल्लाह हाफिज़।